कहते हैं जब दवा भी असर करना बंद कर देती है तब दुआ काम आती है। ऐसा ही एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है डिंडौरी से, जहां बीमार टीचर के स्वास्थ्य के लिए स्कूल के बच्चे रोज प्रार्थना करते हैं और टीचर की बेहतरी के लिए कामना करते हैं। डिंडौरी में महदवानी मॉडल स्कूल के छात्रों का रोज अपने टीचर के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए प्रार्थना करना इन दिनों इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मॉडल स्कूल के हिंदी टीचर संजय कुमार की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वे चंद दिनों के ही मेहमान हैं। वहीं अपने चहेते टीचर की बीमारी की जानकारी लगते ही स्कूली छात्र छात्राएं बेहद भावुक और मायूस हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और वे अपने टीचर के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए रोज स्कूल में प्रार्थना करते हैं। उन्हें यकीन है कि एक दिन उनके टीचर बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्कूली छात्रों का लगाव और प्रेम देखकर टीचर संजय भी काफी भावुक है और उनके मन में भी विश्वास बढ़ गया है कि दवा से ना सही छात्रों की दुआएं जरूर असर करेंगी। छात्रों के साथ स्कूल का पूरा स्टाफ भी हिंदी टीचर के लिए रोज प्रार्थना में शामिल होता है और स्कूली छात्रों का प्रेम देखकर टीचर आराम करने की बजाय रोज स्कूल आते हैं। सर, हमें इस दिन के तो पहले बहुत दुख हुआ था कि हमारे सर जो हमें इतने मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है मैं उनके साथ पढ़ते, बट फिर भी मैं वो इतने अच्छे हैं कि हमें हमारी जो हमारी प्रॉब्लम होती है, अगर हमें कुछ हमारे पास नहीं है, जूते वगैरह, राशन, स्कूल में कई बच्चों के पास बेल्ट बैग टाई वगैरह नहीं थे, उनको बताने पर सर लोगों ने हमारी प्रॉब्लम को मतलब सोल्यूशन किया, उन लोगों ने हमें दिया और वो इतने अच्छे हैं सर कि जितना बोले उनके लिए उतना कम है। उनकी तबीयत अभी इतनी ख़राब है फिर भी वो हमें पढ़ाने के लिए स्कूल आते हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। सर, जब हमारी क्लास टीचर ने बताया कि हिंदी वाले सर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो हमें बहुत बुरा लगा और हमारी क्लास टीचर ने कहा कि दवा अगर काम ना करे तो कभी दुआ भी काम कर जाती है। तो सर ने कहा सरस्वती वंदना के बाद हम सर के लिए 1-2 मिनट के लिए मौन रहकर प्रेयर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जब जबलपुर गया तो जबलपुर में डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जबलपुर में मुझसे ही नहीं किसी भी डॉक्टर से दिखवा लो, आपका इलाज असंभव है, आपने बहुत समय कर दिया है, आयुर्वेदिक इलाज संभव है करके जब मुझे जानकारी लगी तो मैं चंडीगढ़ गया। 10-15 दिन करीब मैं एडमिट रहा चंडीगढ़ में। अभी मेरा इलाज चंडीगढ़ में चल रहा है। दोनों किडनी में प्रॉब्लम है, दोनों किडनियाँ डैमेज हो रही हैं बीपी की वजह से, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से दोनों किडनियाँ डैमेज हो रही हैं। तो इलाज चल रहा है मेरा आयुर्वेद का अभी चंडीगढ़ में। जब मैं चंडीगढ़ में एडमिट था तभी मेरे साथ ही श्री रतन सिंह धुर्के सर ने कुछ वीडियो फोटोज़ भेजे थे कि सर 12वीं क्लास के बच्चे आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं सर हॉस्पिटल में एडमिट था चंडीगढ़ में, लेकिन वो वीडियो फोटोज़ देख के मैं भावुक हो गया था और वो वीडियो फोटोज़ देखने के बाद मुझे लगा कि मैं जल्दी से जल्दी मुझे ठीक होकर वापस मुझे अपने बच्चों के पास में जाना है। तो आज इन बच्चों की दुआ ही है जो मैं आज वापस स्कूल में आकर के बैठा हूँ। कहते हैं बच्चों का मन निश्चल होता है, निर्मल होता है, और निर्मल और निश्चल मन से उन्होंने मेरे लिए दुआ की। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।